अगर आप भी नसों में दर्द, नसों में सूजन, नसों में कमजोरी से परेशान हैं, नसों से संबंधित कोई भी समस्या से आप यदि परेशान हैं, तो आज का जो नुस्खा मैं बता रही हूँ इसका सेवन से ये आपके नसों के दर्द को खींच के बाहर कर देगी। नसों के कारण यदि आपकी पैर हाथ में दर्द हो रही है, पिंडलियों में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, तो उस दर्द को भी ये खींच के बाहर करने का ताकत रखती है। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का नुस्खा है। और नसों से संबंधित या फिर शरीर के पूरे दर्द को, जितनी भी दर्द है आपके शरीर में, वो सारे दर्द को ये खींच के बाहर करने का ताकत रखती है। ज़बरदस्त और कमाल के नुस्खे हैं। आप अपने घर में ही आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं बना के, और किचन में रखे हुए कुछ सामानों का यूज़ करके ही आप इसे बना सकते हैं। ये आप हर मौसम में आसानी से ले सकते हैं। जिनको भी नसों से संबंधित दर्द है, नसों की तकलीफ़ है, नसों की कमजोरियां हैं, हाथ पैर में दर्द हो रही है, हाथ पैर में सुन्नपन की समस्याओं को ये दूर करती है। इसके साथ साथ कुछ और बातें मैं बताऊंगी इसमें, जिससे कि आपकी नसों से संबंधित सभी दिक्कतें दूर हो जाएगी। नसों से संबंधित सभी दर्द या फिर नसों की कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज सब ठीक हो जाएगी। तो आगे वीडियो में मैं सब सारा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिले। आज जो मैं नुस्खा तैयार कर रही हूँ ये आपके घर के किचन में रखे हुए सामान से ही आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही छोटा छोटा सा उपाय है, यदि आप इसे करते रहेंगे तो आपको नसों से संबंधित कोई दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, किसी को भी आप इसे दे सकते हैं। चाय के रूप में आप इसे दीजिए और ज़बरदस्त फ़ायदे, ज़बरदस्त कमाल के फ़ायदे आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि इसे किस तरह से बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आप एक पैन चढ़ाइए और उसे लो फ्लेम में रखिएगा, और एक कप आपको पानी लेना है। ये ग्लास है इसीलिए मैंने आधा ग्लास लिया है। एक कप, कप के हिसाब से आप नाप लें, और एक कप आपको पानी और एक कप आपको दूध ले लेना है। इस तरह से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कप से नाप ली हूँ और एक कप यहाँ दूध ले ली हूँ और एक कप पानी ले ली हूँ। तो अब इसे अच्छे से पहले हमें बॉईल कर लेना है, इसे अच्छे से उबालना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार पहले उबाल लें, उसके बाद इसमें आप कोई भी चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है। तो अब इसमें देखिए इलायची को ऐड मैं करने जा रही हूँ। तो इलायची, दो इलायची आपको यहाँ लेना है। और इलायची के जहाँ तक फ़ायदे की बात की जाए, पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इससे पाचन संबंधी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जिसे भी ब्लॉटिंग की समस्या है, पेट फूलने की समस्या है, तो उसमें यह आराम देती है। इसके अलावा जठरांग संबंधी विकारों को दूर करती है, शरीर को डिटॉक्स करती है, शरीर से सभी विषैले पदार्थ को निकालती है, सांस से संबंधित सभी रोगों को दूर करती है, खून के प्रवाह को अच्छी करती है, यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है यानी पेशाब से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करती है, जोरों का दर्द को दूर करती है, अनिद्रा की बीमारी को दूर करती है, वजन घटाने में हेल्प करती है, और दांत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और साथ ही ये दर्द नाशक होने के कारण ये नसों के दर्द को भी बहुत ही आसानी से खींच लेती है। तो यहाँ पे मैंने दो इलायची को कूट के इसमें डाल दिया है। अब जो अगली चीज़ लेनी है वो है दो लौंग। लौंग भी बहुत ही फायदेमंद होती है और ये भी दर्द निवारक होती है। तो इसे भी मैंने दो लौंग को भी हल्का सा कूट के इसमें डाल दिया है। अब जो अगली चीज़ लेनी है वो है अदरक। अदरक को यहाँ लेने से पहले इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखनी होगी कि ये दूध में आपको अच्छे से दो तीन बार उबाल ले आना है। तो अच्छे से उबाल, जैसे अभी मैं लो फ्लेम में पका रही थी, तो इसे हल्का सा फ्लेम को हाई कर दीजिएगा ताकि दूध अच्छे से उबल जाए। दूध अच्छे से उबलने के बाद ही आप इसमें अदरक को ग्रेट करके या फिर कूच के आप इसमें डालिए, जिससे कि दूध कभी फटेगी नहीं। वैसे तो दूध फटती नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप इसे अच्छे से उबाल लेंगे तो दूध नहीं फटेगी। तो इसे आपको एक से डेढ़ इंच जितना अदरक को यहाँ पे मैंने ले लिया है। अदरक भी दर्द को खींचने में और खून के बहाव को अच्छे करने में बहुत हेल्प करती है, चाहे वो नसों का दर्द हो या हड्डियों का दर्द हो। साथ ही खून का बहाव को अच्छी करती है, तो नसों में खून को अच्छे से फ्लो कराने में बहुत हेल्प करती है और नसों के हर दर्द को ये खींच के आपका बाहर कर देगी। तो एक से डेढ़ इंच जितना आपको अदरक को इसमें ग्रेट करके डाल देना है। तो मैंने इसमें एक से डेढ़ इंच जितना अदरक इसमें ग्रेट करके डाल दिया है। तो अब इसे अच्छे से लो फ्लेम में आपको पकाना है। अब इसे किस तरह से आपको किस टाइम पे खाना है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये आपको अच्छे से फ़ायदे करे। ये बच्चे, बड़े, बुजुर्ग कोई भी इसका सेवन कर सकते हैं, कोई भी इसे पी सकते हैं। बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, साथ ही बहुत रोगों से आपको बचा के रखती है। यदि किसी को, जिसे भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, वो इस मिश्री को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिश्री को ऐड कर दिया है। और यदि किसी को भी डायबिटीज़ की समस्या है तो वो मिश्री को ऐड बिल्कुल ना करें।
और इसे अच्छे से पका लें। मिश्री जब तक घुल जाए अच्छे से, तब तक आपको इसे लो फ्लेम में पकाते रहना है। और अब इसे पकने के बाद अब इसे आपको हल्का सा ठंडा करके ही आपको इसे पीना है। तो चलिए ये हो चुकी है, तो उबाल भी अच्छे से आ चुकी है। तो अब चलिए इसे मैं छान लेती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, आधा ग्लास इसी से आधा ग्लास मैंने पानी, आधा ग्लास दूध लिया था। अब इसे इतना पकाना है कि ये खुद ही आधा ग्लास रह जाए। ये देखिए ये एक ग्लास जितना होना चाहिए, लेकिन इसे पकाने के बाद ये आधा ग्लास जितना बची है, जिसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ों का अरोमा इसमें अच्छे से आ जाए। आप देख पा रहे होंगे इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। इस तरह से आपको बना के रेडी कर लेना है। इसमें ये तीनों चीज़ों का अरोमा यानी कि अर्क अच्छे से आ चुकी है, और ये आपके नसों के दर्द को खींच के बाहर कर देगी। और इसके साथ ही आपको सुबह शाम कम से कम 15 मिनट वॉक जरूर करना है। अनुलोम विलोम और कपालभाति भी जरूर करें, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और आपके नसों से संबंधित सभी बीमारियाँ दूर हो जाएगी। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इस रेमेडी को यानी ये जो दूध मैंने रेडी किया है बना के, इसे किस समय और कब पीना है। इसे आपको रोज़ शाम को पीना है, सोने के 1 घंटा पहले आपको इसे जरूर पीना है। इसे डेली आपको 30 दिन तक पीना है। नसों के हर दर्द को ये खींच के बाहर कर देगी। जैसे यदि नसों में कहीं ब्लॉकेज भी है, नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में दर्द हो रहा है, शरीर के एक एक दर्द को खींच के बाहर कर देगा। यहाँ तक कि यदि कमर पैर हाथ में भी यदि नसों के प्रॉब्लम के कारण दर्द हो रही है, तो उस दर्द को भी ये खींच के बाहर कर देगा। नसों में जितनी भी अकड़न जकड़न है, नसों में कमजोरी है, तुरंत का तुरंत आपका ठीक करेगा। यानी कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको ये काम करना स्टार्ट कर देगी। और इसका नियमित 1 महीना तक इस्तेमाल करने से आपका नसों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है आप सबों के लिए वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले।